ये है अल वस्ता सुपर मार्केट, यहाँ पे आप हट जा। ऋषिक तुम्हें कैसा लग रहा है? हमारे जो साथ के लोग हैं वो लोग कहीं गए हुए थे यार, इसको क्या बोलते हैं, बाइक राइडिंग। तो हम जा रहे हैं डेजर्ट सफारी, और अभी हमने शायद 10 मिनट्स, हम ऑन द वे हैं और हमने 10 मिनट्स का हॉल्ट ही लिया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ, बिकॉज़ यहाँ पे अगर किसी को वॉशरूम वगैरह जाना है या तो, एंड इसके बाद हम 10 मिनट्स में पहुँच जाएंगे हमारे। एक्चुअली अगर आपको डेजर्ट सफारी आना है तो फिर आपको आपके बहुत सारे अलग अलग पैकेजेस हैं जो आप ले सकते हैं, मतलब इट स्टार्ट्स एज लो एज 2000 रुपीज़। हमने जो लिया है वो 5500 का पैकेज लिया है, उसमें हमें थोड़ा सा VIP ट्रीटमेंट मिलेगा। तो VIP ट्रीटमेंट एज इन कि आपको डिनर के लिए आपको कहीं पे लाइन में नहीं लगना और ये सब नहीं करना, आपको वहीं पे ही टेबल पे सर्व हो जाएगा। बस आपको उनको बताना है कि आप वेज या नॉन वेज क्या ले रहे हो। तो इसके बाद जो हमारा 10 मिनट्स के बाद वाला स्टॉप है उसमें हमें मिलेगा जो कार मिलेगी वो है हमर, हम उसमें जाएंगे, हमने वो वाली बुक करी है। तो आप यू कैन हैव योर ओन चॉइस ऑफ कार्स, तो हमने हमर बुक करी है, अभी हम जाएंगे। तो यहाँ पे खाली 10 मिनट्स का हॉल्ट है, मैं आपको सारा दिखाऊंगी कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या आप लोग कर सकते हैं, हमारा पूरा पैकेज है उसमें कुछ चीज़ें इंक्लूडेड है वो सब आपको दिखाऊंगी। सो लेट्स गो टू डेजर्ट सफारी। फोटो थोड़ा वीडियो में आ जाना पहले, थोड़ा मेरा बूमरैंग बना दो। और ये है ऋषिक और ये भी आया है मेरे साथ, और हम लोग बहुत इंजॉय करने वाले हैं। ऋषिक तुम्हें कैसा लग रहा है? ठीक है, ये है अल वस्ता सुपर मार्केट, यहाँ पे आप हट जा। ये है अल वस्ता सुपर मार्केट, यहाँ पे आप वॉशरूम वगैरह जा सकते हो, बीच में आपका ड्राइवर रुकेगा, नहीं भी रुकेगा तो फिर आप बोल सकते हो वॉशरूम वगैरह के लिए पानी, कोल्ड ड्रिंक, जूसेस यहाँ पे आप ले सकते हो। और ये है हमारे मेरे हालात, क्योंकि मैं रबर बैंड नहीं लाई हूँ, मेरे बाल उड़ रहे हैं, मुझे नहीं पता था यहाँ पे इतनी हवा चलेगी, बट इट्स ओके। चलो क्या है यहाँ पे, जा रहे हैं, हमारी गाड़ी आ गई है हमर, और उसके बाद हमको यहीं पे आना है वापस।
हमर सो वी आर ऑलरेडी इन द हमर एंड रेडी टू डू डून बैशिंग सो द फर्स्ट टाइम दैट वी आर डूइंग दिस एंड वी आर क्वाइट एक्साइटेड ऑलरेडी ये कि कार गिरती नहीं है बिकॉज दे आर प्रोफेशनल्स पर आपको पूरा ऐसा लगेगा कि कार गिरने ही वाली है पलटने वाली है सो इट्स दैट एक्सपीरियंस एंड नाउ वी विल क्लिक सम फोटोज एंड मीट यू एट द नेक्स्ट स्टॉप वॉशरूम हुए हैं पीछे है वॉशरूम पर बहुत ही गंदा लाइक इट्स हॉरिबल तो अगर आप आएँ तो फिर ये ध्यान में रखें कि आप इंडियन वाले टॉयलेट में बैठें ना कि इंग्लिश वाले में बाकी इट्स हॉरिबल बाइक राइडिंग करने गए हुए थे इसलिए हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं और अब हम जाएंगे कुछ इवनिंग स्नैक्स लेने और जो कि इस पैकेज में ही है कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पैकेज में है और अनलिमिटेड टी कॉफ़ी एंड ऑल दोस थिंग्स
बट थोड़ा सा ड्रॉबैक यही है, अगर आप आ रहे हैं तो आप किसी के साथ आ रहे हैं, बिकॉज जो आप पर्सनल वाला करते हो वो महंगा है। बट अगर आप किसी के साथ आ रहे हो तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उन्होंने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ बुक करी हैं या करनी है तो आपको उतनी देर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपको गाइड है वो आपको एक साथ ही लेकर जाएगा जहाँ पे भी लेके जाएगा। तो बस अब हम निकलेंगे, इसके बाद नेक्स्ट स्टॉप पे आए देखते हैं कहाँ पर है, हमारा ड्राइवर आ गया है, अब जा रहे हैं। अब हम जाएंगे वहाँ पे जहाँ पे कि खाना वाना होगा। बहुत तेज़ भूख लग रही है, सैंड में रह के बहुत तेज़ हमें भूख लग गई। वो आगे आगे हमारा ड्राइवर जा रहा है और हम ड्राइवर कम गाइड बोल सकते हैं, बिकॉज ही इज़ द वन हु इज़ टेकिंग अस टू द होल ट्रिप। सो या रेडी सन आना चाहिए था, थोड़ा इधर आया था, सन आना चाहिए था, फोटो ले। ठंड है, ठंड ठंड, जितनी गर्मी थी ना वहाँ पे, है ना, वहाँ पे गर्मी और यहाँ पे ठंड। Yes, this is Golden Mabry. No, no, but in how much will he be the king of Dubai? Yes. In how much? No. I change your mind, brother. I make you Marathi. Video is continuing. No, in how much? Only 20. Nah, bro. No, 20 is too much. How much? We give 10. Okay, no problem. You from India? Yeah. No problem. ओके, तो अब हमने यहाँ पे सनसेट पे बहुत सारी पिक्चर्स खींच ली हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें कहाँ पर जाना है। यहाँ पे कैंप है जहाँ पे की सारी चीज़ें होंगी, लाइक इवनिंग स्नैक्स होंगे एंड जो है आपका टी कॉफ़ी एंड उसके बाद डिनर होगा, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि बेले डांसिंग होगा, ये सब होगा। पर अभी क्या है कि क्या होता है डेजर्ट में, पता ही होगा आप लोगों को कि डेजर्ट में रेत जो है रात को ठंडी हो जाती है शाम को, तो इट्स लाइक वही हो रहा है। अभी बहुत ठंड हो गई यहाँ पे, इसलिए हमने जैकेट वगैरह पहन लिए। ये है वो एरिया कैंप का जहाँ पे कि हमको जाना है, और ये सब लोग जो है कोई फ़ोटोज़ ले रहा है, कोई जा रहा है कैमल राइड के लिए। ये लाइन लगी है बहुत लंबी, कैमल राइड वैसे भी हम लोगों को नहीं लेना था, तो हम लोग जा रहे हैं सीधा कैंप में। और अब आपको दिखाएंगे कि खाने के लिए वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये है एंट्री एंड यहाँ पे लिखा है दादा भाई ट्रैवल, ओके। और ये है कैंप जहाँ पे कि बाकी सारी एक्टिविटीज़ होंगी एंड इवनिंग स्नैक्स वगैरह ये सब होंगे। तो चलिए अंदर जाकर चल के देखते हैं कि क्या क्या है।